बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हैं स्वागत है इन ग्राफिक। तो आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फट होंगे। सो आज मैं आप लोग को क्या सीखने वाला हूँ, क्या लेके आया हूँ। आज आप लोग को एक बहुत ही जबरदस्त शेडो जो है वो टेक्स्ट के नीचे जो है वो शेडो कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी लॉन्ग या लंबा जिसको बोलते हैं, लॉन्ग शेडो को कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत इजी मेथड से आप लोग को फुल एक्सप्लेन करके बता रहे। सो गाइस आप मेरे वीडियो को एंजॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेटर में ओके, तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम शेडो ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमने शेडो को क्रिएट करना है। शेडो ओके, हमने लिख लिया जी यहाँ पे शेडो, यहाँ शेडोज लिख लें। तो शेडो हमने लिख लिया ओके। तो इसमें आप कोई भी कलर फिल करें, तो इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी मर्जी से, तो जो आप लोग को बेस्ट लगे आप उस तरह इसको कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसमें कलर येलो कर लेते हैं, और इसके आउटलाइन का हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। करने के बाद अब इसको यहाँ पे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जो है वो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। करने के बाद अब सबसे पहले बात आती है कि यार इसमें इस जो है वो क्या नाम है, इसमें भी आप फॉन्ट में लगा सकते हो, बट कोई अच्छा सा फॉन्ट। यहाँ पे हम कैलीग्राफी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मेरे पास ये वाला है, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ओके। तो यहाँ पे हम जो है इसका शेडो करेंगे क्रिएट, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना, इसको स्ट्रोक में चले जाना है, और इसको यहाँ पे 2 पॉइंट कर लेने, इसके कर्ण को गोल कर लेना। करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट, आप लोगों ने क्या करना है, क्या इफेक्ट में चले जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टोरेज ट्रांसफर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म वाला, ठीक है। इसकी विंडो में ही इसको आपको मिल जाएगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म वाला। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ यूं क्रिएट हो जाएगा। इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करने करने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी यहाँ पे कर लिया 25 यहाँ पे, अब इसकी कॉपीज बना लेता हूँ, ठीक है। करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट सेटिंग क्या करनी है, 2 पॉइंट अब इधर आ जाना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना जबरदस्त यहाँ पे जो है वो हमारा शेडो यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो मैं गाइस चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये जो है ना, ये बड़ा जो है ना इफेक्ट, थोड़ा बड़ा हमें शेडो जो है ना नीचे वाला बड़ा है, तो इसकी कॉपीज को आपने बढ़ा देना ओके लेट्स गो। तो गाइस हमने इसकी जो है वो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त यहाँ पे शेडो क्रिएट हो गया। अब इसमें कोई भी आप कलर अपनी मर्जी से जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जो आप लोग को बेस्ट लगे आप उसका कलर जो है वो कर सकते हो। तो मेरा काम था कि आप लोगों को इस रंग का जो इफेक्ट जो है ना मेरे माइंड में आया, सोचा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को इस तरह का शेडो क्रिएट करने में कोई जो है वो टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये शेडो एक 3D हमें लुक देता है। हम अपने डिजाइन में इस रंग का कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो उसका एक जो नाम है जो उसको हम इस तरह अगर करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चैनल पर बैठी बात तो सब्सक्राइब का बटन पर स्क्रीन को साथ ही आइकन को दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।